नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर एक न्यू वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ 1। इसी तरह से हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जो हमारे कमीशंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ को वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। BeF2 हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट, वेयर एज H2O हैज़ अ डायपोल मोमेंट बिकॉज। क्योंकि आप देखोगे, जब आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो BeF2 का स्ट्रक्चर आपके पास लीनियर आएगा एंड H2O का स्ट्रक्चर आपके पास एक वी की शेप में आता है, जिसे हम वी शेप या वेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन के कारण उसकी शेप वी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, बिकॉज H2O इज बेंट, जिसकी वजह से डाइपोल जीरो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग या इन अ कंपाउंड CH3CH CH2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज। तो दोस्तों, एक जनरल सा नॉर्मल सा फैक्टर है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है, अगर कार्बन ने सभी के सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर उसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और अगर उसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हो तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जो CH3 है हमारे पास, वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। नेक्स्ट की तरफ आप चलोगे तो यहाँ पर उसने एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास है सी, उसने आप देखोगे दोनों साइड वन वन सिंगल बॉन्ड है और वन वन जो है वो डबल बॉन्ड है। तो जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास CH2, तो आप यहाँ पे देखोगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप पाओगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 आएगी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 14 इज, एंड द राइट आंसर इज 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा। तो दोस्तों, जब हम इन सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि सभी ने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया है। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका साइज जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इजली बॉयल हो जाएगा। तो आप जब इनका एटॉमिक नंबर देखोगे तो आप पाओगे कि जो सेकंड वाला है उसका जो हमारे पास साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम एसिटामाइड स्मेल, हमारे पास जो सोडियम एसिटामाइड होता है उसकी स्मेल कैसी होगी। एंड द राइट आंसर इज डी, रेसिमिस्टेंट्स ऑफ माइस की तरह उसकी स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस विद H2SO4 रिजल्ट्स इन, जब हम H2SO4 के साथ इथेनॉल को हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखोगे इथेनॉल में भी OH प्रेजेंट है और यहाँ पर भी O प्रेजेंट है। जब आप उनको एक दूसरे के साथ हीट करोगे तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके इथर्स फॉर्म करते हैं, RCOOH की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट और डिवाइस यूज्ड इज, कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। सो ए इज़ द राइट आंसर, GR मुलर काउंटर जो है वो यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमीशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल लीड्स टू एन
जब अल्फा पार्टिकल की एमिशन होगी तो कौन सी चीज़ जो है वो कम या ज़्यादा होगी? सो राइट आंसर इज सी, डिक्रीज ऑफ 4 यूनिट्स इन द मास ऑफ द एटम। जो एटम का मास है वो 4 यूनिट कम हो जाता है जब अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो आप देखोगे कि उसमें प्रोटॉन्स का अमाउंट भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द आइसोटोप यूज टू फाइंड द एज ऑफ रिलाइस इज ऑफ, कि जो कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है एज निकालने के लिए रिलाइस की, एंड द राइट आंसर इज कार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास, सब्सटेंस यूज एज अ स्मोक स्क्रीन इन वारफेयर इज, कि जो वारफेयर होते हैं उनमें स्मोक स्क्रीन्स बनाई जाती है, वो कौन से केमिकल के थ्रू बनाई जाती है? एंड द राइट आंसर इज SiCl4। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इज, कि जब सिलिकॉन को HF के साथ ट्रीट किया जाएगा तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो आप पाओगे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, H2SiF6 जो है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडिकेटर यूज टू टाइट्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज, कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड बेस की टाइट्रेशन में यूज होता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में यूज नहीं होता। नेक्स्ट है बी, मिथाइल ऑरेंज। सो बी इज द राइट आंसर, मिथाइल ऑरेंज ही इंडिकेटर यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल द एंजाइम इज यूज्ड, कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं ग्लूकोज की इथेनॉल में उसे कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, जाइमेस को यूज किया जाता है ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सिस ब्लू इज फॉर्म व्हेन, पर्सिस ब्लू किसका कलर होता है? तो जब आप टाइट्रेशन सॉरी जब आप साल्ट एनालिसिस करते हो तो आप देखते हो कि जब आप उसका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे और उसके बाद जब टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपके पास पर्सिस ब्लू कलर भी आता है। तो राइट आंसर इज फेरिक सल्फेट रिएक्ट विद FeCl2। जब आप फेरिक सल्फेट टेस्ट करोगे तो आप वहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक सल्फेट यूज़ करते हो, फेरिक क्लोराइड भी यूज़ करते हो, एंड अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आप देखते हो कि उसका कलर पर्सिस ब्लू आ जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पैरा एल्डिहाइड इज यूज्ड एज, जो हमारे पास पैराल्डिहाइड है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो उसे हम एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनोन रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज, कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हम फिनोन को रिएक्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ? सो 16 का राइट आंसर होगा डी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमारे पास फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, रबर हीट विद सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, वोल्कनाइजेशन, क्योंकि वोल्कनाइजेशन के थ्रू नेचुरल रबड़ को हीट किया जाता है सल्फर के साथ और उसे कन्वर्ट किया जाता है सिंथेटिक रबड़ में, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज वो एनहांस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइड इट, कि जब हम कोलाइड्स में एक्सेस यानी काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो वो कोगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मोस्टली यूज्ड कंपाउंड इन फोटोग्राफी इज, इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स या फोटोग्राफी के लिए कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन केवल एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड में। सो बी इज़ द राइट आंसर, AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव, कि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसे गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, एंड द राइट आंसर इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो अपनी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो ऑर्थो से मेटा पोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरोमेटिक अमाइन बस ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटाश एंड अनदर वाई व्हेन अ फॉल्स स्मेल गैस बस फॉर्म विद फॉर्मूला C4H5NC बाई आ फॉर्म बाई रिएक्टिंग अ कंपाउंड जेड एंड Cl2 इन प्रेजेंट ऑफ शेकिंग लाइम। कंपाउंड जेड इज, जो कंपाउंड जेड बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास CH3CO CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्ट्रीम वोलेटाइल वेयर एज पैरानाइट्रोफिल इज नॉट। दिस इज ड्यू टू, क्योंकि आप देखोगे जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसकी स्टीम जो है वोलेटाइल है एंड जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसकी नहीं है। तो इसके पीछे कारण है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रो में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है एंड जो हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना द इलेक्ट्रोलाइट इज, कि जब हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं क्राइलोलाइट। इसे क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लू कलर इज ऑब्टेन व्हेन, कि ब्लू कलर कब आएगा हमारे पास, तो ये क्वेश्चन भी नॉर्मल सा है, जब हम कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करेंगे K4F6CN6 के साथ, तब हम ब्लू कलर ऑब्टेन नहीं कर पाते, तो सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इथेनॉल C2H5OH इज मिक्स्ड विद अमोनिया एंड पासिस ओवर थ्रोनियम द कंपाउंड फॉर्म, कि जब हम थ्रोनियम के साथ उसे ट्रीट करेंगे या पास करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5NH2, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट इज, कि इनमें से डबल साल्ट कौन है, तो डबल साल्ट वो होता है जो कम्बिनेशन से बनता है डिफरेंट डिफरेंट साल्ट से या दो कंपाउंड से, तो राइट आंसर इज डी, पोटाशियम जो है वो डबल साल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू डिसकंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड द रिजल्टेंट कंपाउंड इज फॉर्म, कि हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C2H5CH2Br, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड कोलाइड अ कोलाइड इन विच द डिस्पर्सन फेस इज ल्यूकर्ड एंड द डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड इज, तो ये एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड टॉपिक है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आपके पास जो डिस्पर्सन फेस है वो ल्यूक्विड होगा एंड डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉलिड होगा, इट मीन कि वाटर की क्वांटिटी कम है सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो हमारे पास मटेरियल फॉर्म होगा वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू परऑक्साइड, परऑक्साइड मीन्स कि ऑक्सीजन ने एक ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म किया होता है, तो परऑक्साइड जो है यहाँ पे वो है 29 का राइट आंसर CbaO2 जो है वो एक परऑक्साइड है, क्योंकि दो ऑक्सीजन अटैच हुई है इसके साथ, इट मीन्स कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिक एनहाइड्राइड एंड द राइट आंसर इज CN2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलिक ऑक्साइड, इनमें से किसको सेलिक ऑक्साइड कहा जाता है, तो PB3O4 को सेलिक ऑक्साइड कहा जाता है, तो 31 इसका सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास,
कैलेजन यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर इज, कि जो कैलेजन है उसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो इनमें से कौन है? तो वो है Na3 ब्रैकेट ओपन Na4PO3 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गैसेज रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाई अल्केलाइन पायरा गैलोन एंड वाइल इन सिनेमोन इज, द राइट आंसर इज बी ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो इन गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ H3O2 एंड विद H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश रिएक्शन, कि जब हम H3O2 एंड H2S का रिएक्शन करवाएंगे तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन CH3 बाज हाइड्रोलाइज्ड अ गैस बाज ऑब्टेन इट हैज़ अ गार्लिक कलर ड्यू टू फास्फोरस प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, द गैस बाज पासिस थ्रू अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ CuCl3 अ रेड पीपीटी बाज ऑब्टेन, द गैस बाज गैस है जो कि हमने पास की होगी जिसकी वजह से हमारे पास रेड पीपीटी फॉर्म हुई है। सो राइट आंसर इज एसिटाइलिन गैस को हमने पास किया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हाफ क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट सीरीज की हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं हम उसे सेकंड टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट देकर हमें ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।